2024 की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एनिमे सीरीज है सोलो लेवलिंग, जिसका सीजन 1 फिलहाल 12 एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है और शायद 2024 के एंडिंग तक सीजन 2 भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 के 12 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सच में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, साथ ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, इसलिए कृपया करके अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सोलो लेवलिंग सीजन 1 कॉम्प्लीट एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है इन 3, 2, 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट समय से 3 साल पहले एक आइलैंड को देखते हैं, जहाँ कुछ हंटर्स बहुत ही बड़े बड़े चींटियों से अपने हथियार की मदद से लड़ रहे थे। वहीं कुछ हंटर्स चींटियों से लड़ने के लिए अपने मैजिकल पावर्स के इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये सभी हंटर्स मिलके भी उन बड़े चींटियों को रोक नहीं पा रहे थे और चींटियां इन हंटर्स को मार के खाने लगते हैं। तभी एक एस क्लास हंटर्स उस जगह आके अपने हीलिंग पावर से एक आदमी को पलक झपकते ही ठीक कर देता है, लेकिन उसी वक्त एक चींटी उस एस क्लास हंटर के ऊपर हमला करने वाला था। तभी उस एस क्लास हंटर के साथी योनसुक और योनोक बड़े आराम से सभी लाल चींटियों को मार देते हैं। तभी एक बड़ा सा सफेद चींटी उनके तरफ आता है, लेकिन योनोक सफेद चींटी के दांत को तोड़ के चींटी की तरफ ही गोली की तरफ फेंकता है, जिससे सफेद चींटी मारा जाता है। लेकिन तभी ढेर सारे बड़े बड़े सफेद चींटियों को अपने तरफ आते हुए देख के योनसुक और योनोक अपने फुल पावर के साथ चींटियों के ऊपर कूद पड़ते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं हम शहर में और एक एस क्लास हंटर को देखते हैं, जिसका नाम है चॉय। चॉय के साथ पूरा हंटर सेना होता है। ये लोग उन बड़े बड़े चींटियों से लड़ रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक से कुछ पोर्टल्स ओपन हुआ था, जिनमें से दूसरे दुनिया के मॉन्स्टर्स हमारे दुनिया में आ गए थे और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर मिलिट्री वेपन भी बेअसर है। तब उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान सामने आए और इन्हीं लोगों को हम हंटर के नाम से जानते हैं। ये हंटर्स अपने पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक के होते हैं, जिनमें से सबसे टॉप में है एस रैंक, इसके बाद ए बी सी डी और सबसे लास्ट में ई रैंक। और जब किसी हंटर का पावर जाग जाता है, तब किसी तरीके से भी उसका पावर्स या रैंक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ के एक कंस्ट्रक्शन साइड में एक पोर्टल खुला हुआ था और उसी समय हम इस सीरीज का मेन कैरेक्टर सोंग जिन ऊ को देखते हैं और हमारे साथ ही साथ उस जगह मौजूद सभी लोग सोंग को ही देखे जा रहे थे। ये देख के एक ग्रीन जैकेट वाला बंदा उसके दोस्त से पूछता है, क्या ये इतना ज्यादा फेमस हंटर है कि सभी लोग इसे देखे जा रहे हैं? तब उसका दोस्त बोलता है, नहीं तो, बल्कि ये सबसे कमजोर हंटर है, बल्कि सोंग ई रैंक फाइट में भी पूरी तरीके से घायल होकर कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। तभी सोंग मिलता है जूही से, जो एक बी रैंक हीलर होती है। इसके बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के समय सोंग अपने चाकू की तरफ देख के सोचने लगता है कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, जिससे मैं ये कम पावर वाला चाकू खरीद पाया। अगर फाइट के दौरान ये टूट गया तो मुझे बिना हथियार के ही लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो बता रहे थे कि मॉन्स्टर को सिर्फ हम हंटर्स ही मार सकता है और हर एक रैंक के मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग स्टोन मिलता है, जिन्हें बेच के ही हंटर्स को पैसे मिलते हैं। हंटर जितने पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारेंगे, उन्हें उतने ही महंगे स्टोन मिलेगा और बाद में इन स्टोन से पावरफुल हथियार और ग्रीन एनर्जी बनाया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सोंग एक ई ग्रेड मॉन्स्टर को मार के एक छोटा सा स्टोन हासिल कर लेता है, लेकिन तभी और एक ई ग्रेड मॉन्स्टर सोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लड़ने के समय सोंग का चाकू टूट जाता है और मॉन्स्टर सोंग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी एक ग्रीन जैकेट वाला बंदा आके सोंग को बचाता है और जूही सोंग को हील करती है। तब हम देखते हैं कि सभी हंटर्स मिलके बॉस को मार चुके हैं, लेकिन तभी उनके सामने और एक केव ओपन होता है, जिसके अंदर जाने के लिए वोट होता है और फाइनली डिसाइड होता है कि सभी उस गुहा के अंदर जाएंगे। तब हमें देखने को मिलता है कि कैसे
एक जायंट ब्लैक बॉल की मदद से हंटर को अलग अलग रैंक में डिवाइड किया जाता है। वहीं हम बाहर और एक एस रैंक हंटर चाको देखते हैं, जो दो चोरों से एक लड़की का पर्स छीन के उसको लौटा रही थी। लेकिन तभी उस जगह मौजूद पब्लिक चाको पहचान जाते हैं और चा के आसपास लोग जमा होने लगते हैं। ये देख के चा उस जगह से भाग जाती है। वहीं हम गुहा के अंदर देखते हैं कि सभी हंटर्स पिछले 45 मिनट से चल के एक बड़ा सा गेट के सामने पहुंचते हैं, जिसके अंदर घुसते ही इन्हें दिखता है बहुत सारी बड़े बड़े मूर्तियाँ और पुराने भाषा में लिखा हुआ रूल नंबर 1 भगवान का पूजा करना, रूल नंबर 2 भगवान का तारीफ करना, रूल नंबर 3 भगवान के ऊपर विश्वास रखना और रूल नंबर 4 जो लोग ये नियम नहीं मानेंगे वो लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख के एक हंटर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब दरवाजे के पास मौजूद बड़ा सा पहरेदार मूर्ति अपने कुल्हाड़ी से एक ही झटके में उस हंटर का गला काट देता है। तभी सॉन्ग एक मूर्ति के आँख को हुए देखता है और सोचता है कि मैं हमेशा ही हर एक मिशन में मरने के कगार में पहुंच जाता हूं, चाहे मिशन कोई भी हो, कितने भी कम रैंक का हो, मैं हमेशा ही छुप के मौके की तलाश करता हूं, इसलिए शायद मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सोच के ही सॉन्ग सभी को नीचे झुकने को बोलता है। तब बड़ा सा मूर्ति के आँखों से लेजर निकलता है और बहुत सारे हंटर्स को जला देता है, लेकिन सॉन्ग जूही को बचा लेता है। साथ ही जिस हंटर ने भी सॉन्ग का बात माना था वो लोग भी बच जाते हैं। सॉन्ग लास्ट में सोचता है बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो क्या सच में मैं इस मिशन में मरने वाला हूँ। और इसी के साथ स्लो लेवलिंग एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। स्लो लेवलिंग एपिसोड 2, तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हंटर्स कौन है और हमने देखा इस सीरीज के मेन कैरेक्टर संग जिनवू को, जो इस दुनिया की सबसे कमजोर हंटर है। लेकिन एक दिन जिनवू एक हंटर टीम के साथ एक डेंजन में जाता है और डेंजन के बॉस को मारने के बाद और एक सीक्रेट केव ओपन होता है, जिसके अंदर इन्हें मिलता है एक बड़ा सा दरवाजा और उस दरवाजे के अंदर होते हैं कुछ बड़े बड़े पत्थर की मूर्तियाँ। कुछ देर बाद से ही ये मूर्तियाँ उन हंटर्स को मारने लगता है। लेकिन इस एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि सभी हंटर्स इस टेम्पल में बड़े बड़े शैतानी मूर्तियों के बीच फंस जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैप्टन जिनवू को शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि जिनवू के चिल्लाने की वजह से ही कुछ हंटर्स जलने से बच गए। तब जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है, लेकिन जूही डर के मारे जमीन में ही लेटी रहती है। तब जिनवू कैप्टन के हाथ में पट्टी बांध देता है जिससे खून बहना रुक जाए। तब कैप्टन मूर्तियों को देख के बोलता है कि ये मूर्तियाँ जरूर एस रैंक जितने पावरफुल है। इसके बाद ही कैप्टन पत्थर में लिखे हुए नियमों को याद करने लगता है कि गॉड की पूजा करो, गॉड के तारीफ करो और गॉड पे विश्वास करो। लेकिन जो लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे वो लोग इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। जिनवू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा मूर्ति है वही शायद गॉड मूर्ति होगा। तभी एक हंटर बाहर जाने के लिए बहुत ही तेजी से भागने लगता है और सच में ये बहुत ही तेजी से बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। लेकिन तभी पलक झपकते ही गॉड मूर्ति अपने लेजर से हंटर को जला के राख कर देता है। बचता है तो सिर्फ हंटर के 2 पैर। ये देख के सभी समझ जाते हैं कि ये मूर्तियाँ उन सभी को कभी भी मार सकता है। लेकिन ऐसा है तो सभी हंटर्स अभी तक जिंदा कैसे हैं? तब जिनवू उन रूल्स के बारे में सोचता है और गॉड स्टैचू के सामने सर झुका लेता है। तब सभी हंटर जिनवू को ही कॉपी करते हैं। ये देख के गॉड स्टैचू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है। लेकिन इसके बाद ही गॉड स्टैचू अपने सिंहासन को छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये देख के जिनवू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम जल्द से जल्द पूरा करना होगा, यानी कि गॉड की तारीफ करना होगा। तब एक हंटर आगे आता है और गॉड मूर्ति का तारीफ करने लगता है, लेकिन बड़ा सा मूर्ति उस हंटर को कुचल देता है।
तब सभी लोग अपने जान बचाने के लिए भागने लगता है। और ये ग्रीन जैकेट वाला बंदा जैसे ही एक मूर्ति के पास जाता है, तभी मूर्ति इसे दो हिस्से में काट देता है। तब जेन बू नोटिस करता है कि ये बड़ा वाला मूर्ति शैतान जैसा है, और साथ ही कुछ मूर्तियों के हाथ में हथियार है, लेकिन कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तब जेन बू चिल्ला के सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्तियों के पास जाने को बोलता है। तब कैप्टन जेन बू के बात सुन के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला मूर्ति के पास जाता है। तभी मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। इसके बाद बाकी सभी हंटर्स भी ऐसे ही करने लगता है। और जेन बू जूही को लेके एक ड्रम वाला मूर्ति के पास जाता है, लेकिन मूर्ति ड्रम नहीं बजाता है क्योंकि इस जगह दो इंसान थे। तब जेन बू जूही को उस जगह छोड़ के दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। तभी बड़ा सा मूर्ति जेन बू को कुचलने वाला था, लेकिन जेन बू किसी तरीके से बच के एक मूर्ति के पास पहुंच जाता है। जेन बू मूर्ति के पास पहुंचते ही मूर्ति गाना गाने लगती है। तब बड़ा सा मूर्ति शांत हो जाता है और फिर से अपने सिंहासन में बैठ जाता है। दरअसल गॉड की तारीफ करने का मतलब शायद यही था। इसके बाद जूही दौड़ के जेन बू के पास जाती है। तब हम देखते हैं कि जेन बू का एक पैर कट चुका है और जूही जेन बू के पैर को हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वजह से जूही का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। इसके बाद सभी हंटर्स आपस में बहस करने लगता है। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म जैसा बन जाता है। तब जेन बू समझ जाता है कि ये तीसरा नियम गॉड पे विश्वास रखो का मतलब है कि गॉड को किसी का बलि चाहिए। तब सभी हंटर्स मिलके कैप्टन को ही अपने बलि देने को बोलते हैं, और कैप्टन भी सोचता है कि सभी मेरे वजह से ही इस जगह फंसे हैं, इन सभी को सेफ रखना मेरे ही जिम्मेदारी है। इसके बाद जैसे ही कैप्टन प्लेटफॉर्म में जाता है, तभी प्लेटफॉर्म के बाहर एक आग जल जाता है। जेन बू प्लेटफॉर्म को करीब से देखना चाहता था, इसलिए दो हंटर जेन बू को प्लेटफॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म के बाहर और तीन आग जल जाता है। तब जेन बू सभी को प्लेटफॉर्म के अंदर आने को बोलता है। इसी के साथ दो और आग भी जल जाता है और पीछे कुछ ब्लू कलर की आग भी जलने लगता है। इसी के साथ ही टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन बाकी सभी मूर्तियां उन सभी के तरफ ही आने लगता है। तब एक लड़की डर के टेम्पल के गेट से बाहर निकल जाती है, और उसके जाते ही गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। तब सभी हंटर एक एक करके बाहर निकल जाता है, लेकिन जूही जाना नहीं चाहती थी। तब जेन बू के कहने पे कैप्टन जूही को बेहोश करके जूही को लेके उस जगह से निकल जाता है। अब जेन बू उस टेम्पल में अकेला है, उसका पैर भी कट चुका है, जिससे जेन बू कहीं भी भाग नहीं सकता है। इसीलिए जेन बू अभी इस टेम्पल में ही मरने वाला है। फिर भी जेन बू विशाल मूर्तियों से लड़ने के लिए उसके सामने पड़ी एक तलवार को उठाता है, लेकिन बड़े बड़े मूर्तियां अपने हथियारों से जेन बू को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। इसके बाद जेन बू को प्लेटफॉर्म के बीच में लेटा देते हैं, और एक मूर्ति जेन बू को अपने तलवार से काटने वाला था। तब जेन बू सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्या मुझे और एक मौका नहीं मिल सकता है? लेकिन तभी हम स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन बोर्ड देखते हैं, जिसमें लिखा है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आपका दिल के धड़कन 0.2 सेकंड में बंद होने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो यस वाला बटन को प्रेस करो और प्लेयर बन जाओ। तभी हम यस वाला बटन को क्लिक होते हुए देखते हैं, और इसी के साथ स्लो लेवलिंग एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। दोस्तों, सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस एपिसोड से ही ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर जेन बू की पावर्स बढ़ने लगती है, और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जेन बू इस सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेन बू के बजट से ही कुछ हंटर्स उस टेम्पल से जिंदा बाहर जा पाए, लेकिन इसलिए लास्ट में जेन बू को खुद का सैक्रिफाइस देना पड़ा और बड़े बड़े मूर्तियां जेन बू को पूरी तरीके से घायल करके तलवार से मारने वाले थे। तभी जेन बू के सामने एक नोटिफिकेशन बार जैसा आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम प्लेयर बन चुके हो। दोस्तों, दरअसल इस टेम्पल में कुछ और ही चल रहा था, और सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, और वीडियो आपको एंड स्क्रीन में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। तो अभी बढ़ते हैं एपिसोड 3 के स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेन बू पिछले 3 दिनों से एक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। इसके बाद
जिनबू जैसे ही होश में आता है तभी वो अपने हाथ पैरों को देखता है, क्योंकि टेंपल में उसका एक पैर और एक हाथ कट चुका था। लेकिन अभी उसके शरीर के सभी चोट हील हो चुका है और साथ ही उसके हाथ पैर भी रीजनरेट हो चुका है। तभी जिनबू से मिलने दो हंटर आता है जो बताता है कि जिनबू के टीम के कैप्टन का एक हाथ कट चुका है, तो इसलिए शायद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और जू ही इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चली गई है। बाकी हंटर्स की बात करें तो 12 में से सिर्फ 6 हंटर्स ही बचे हैं, और बचे हुए हंटर्स की इंफॉर्मेशन से ही एक नया टीम जब उस डबल डेंजन के अंदर गए थे तभी उन्हें जिनबू मिला था जमीन में पड़ा हुआ, लेकिन उन्हें टेंपल नहीं मिला, मतलब शायद टेंपल गायब हो गया था। तो इसके बाद उन दोनों हंटर्स के जाते ही जिनबू सोचता है कि उन हंटर्स को शायद नोटिफिकेशन बार नहीं दिखा, तो क्या सिर्फ मुझे ही ये दिख रहा है। तभी जिनबू के पास जिनबू की बहन जीना आती है और आते ही जिनबू को डांटने लगती है। तब जिनबू जीना से नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन जीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है और जीना अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद जिनबू नोटिफिकेशन क्लिक करता है और उसे डेली टास्क मिलता है 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। लेकिन जब जिनबू ये डेली टास्क को इग्नोर कर देता है तब उसे पेनल्टी मिलता है। कुछ देर बाद ही अचानक से जिनबू का पूरा रूम हिलने लगता है, मानो कि कोई भूकंप आया हो। तब जिनबू जैसे ही बेड से नीचे गिरता है तभी वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां जिनबू को सरवाइव करना है 4 घंटे तक। और जिनबू के पीछे होता है एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर। वहीं हम दूसरी तरफ नर्स को देखते हैं जो जिनबू के कमरे में आके देखती है कि जिनबू गायब हो गया है। रेगिस्तान में जिनबू सेंटीपीड से बचने के लिए लगातार 4 घंटों तक भागता रहता है, लेकिन 4 घंटे होते ही जिनबू का पेनल्टी खत्म हो जाता है और जिनबू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम में वापस आ जाता है। तब जिनबू को सर्वाइवल पॉइंट मिलता है, लेकिन फिर से उसे पेनल्टी ना मिले, इसलिए जिनबू हर रोज अपना डेली टास्क पूरा करता है। वहीं जूही को जब पता चलता है कि जिनबू जिंदा है तब जूही फूल लेकर जिनबू से मिलने आती है, लेकिन तब जिनबू अपना डेली टास्क पूरा कर रहा था इसलिए जिनबू को बिजी देखकर जूही बिना जिनबू से मिले ही उस जगह से चली जाती है। अभी जिनबू का लाइफ किसी गेम की तरह ही हो गया है। डेली टास्क पूरा करने से जिनबू को फुल रिकवरी मिलता है, मतलब जिनबू का थकान मिट जाता है। साथ ही उसे एबिलिटी पॉइंट मिलता है जिससे जिनबू अपने शरीर की ताकत बढ़ाने लगता है। इसी के साथ ही जिनबू पॉइंट्स एक्सचेंज करके पावरफुल वेपन्स भी ले सकता है, और तो और जिनबू को एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर होता है एक अनोखा सा चाबी। जिनबू इस चाबी से एक अलग तरीके की डेंजन खोल सकता है जो डेंजन सिर्फ अकेले इसके लिए ही है। इसके बाद जिनबू जैसे ही एक जगह जाकर उस चाबी को निकालता है तभी उसके सामने उस चाबी का ताला आ जाता है, और ताले को खोल के जैसे ही जिनबू अंदर जाता है तभी वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। जिनबू के सामने नोटिफिकेशन बार में एक मैसेज आता है कि इस डेंजन के बॉस को मार के ही इस डेंजन से बाहर निकला जा सकता है, या तो टेलीपोर्टेशन स्टोन के मदद से भी बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जिनबू को टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए जिनबू के पास अभी एक ही रास्ता है, बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ। इसके बाद जिनबू उस डेंजन के अंदर जाने लगता है। तभी जिनबू के ऊपर 3 गोब्लिन हमला कर देते हैं, लेकिन जिनबू एक एक करके 3 गोब्लिन को मार डालता है। तभी जिनबू के पीछे से एक भेड़िया मॉन्स्टर निकलता है जो अपने दांतों से जिनबू के चाकू को बड़े आराम से तोड़ देता है। ये मॉन्स्टर उन 3 गोब्लिन से बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद ये भेड़िया उछल के जिनबू के ऊपर हमला करता है और जिनबू के मुंह पे एक कट मार देता है जिससे खून निकलने लगता है। इसके बाद ये भेड़िया फिर से जिनबू के ऊपर हमला करने वाला था, तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अगर जिनबू डेली टास्क कंप्लीट नहीं करता है तब जिनबू को बहुत ही खतरनाक पेनल्टी मिलता है, और अगर जिनबू डेली टास्क कंप्लीट कर लेता है तब उसे पॉइंट मिलता है, साथ ही उसे गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है। ऐसे ही गिफ्ट बॉक्स के अंदर जिनबू को मिलता है एक अनोखा सा चाबी जिसकी मदद से जिनबू एक अलग तरीके की डेंजन ओपन करके उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन जिनबू के अंदर घुसते ही बाहर निकलने के दरवाजा बंद हो जाता है, और इस डेंजन से बाहर निकलने की 2 ही रास्ता है। एक है इस डेंजन के बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ, दूसरा है टेलीपोर्टेशन स्टोन के मदद से बाहर निकलो। लेकिन
जेनवू को टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए जेनवू के पास अभी एक ही रास्ता है इस डेंजन के बॉस को मार के बाहर निकलने का। इसलिए जेनवू उस डेंजन के अंदर जाने लगता है। डेंजन के अंदर जेनवू 3 गोब्लिन से लड़ाई करके उन्हें मार डालता है। इसके बाद ही जेनवू के ऊपर हमला करता है एक खतरनाक सा भेड़िया मॉन्स्टर। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनवू किसी तरीके से उस मॉन्स्टर के बार से बच रहा था, लेकिन तभी जेनवू को अपना शरीर काफी ज्यादा हल्का महसूस होता है। और इसके बाद जब भेड़िया फिर से जेनवू के ऊपर हमला करने आता है, तब जेनवू उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे भेड़िया दूर जाके गिरता है, लेकिन मुक्के की वजह से भेड़िया और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जेनवू को इन्वेंटरी के बारे में याद आता है और जेनवू इन्वेंटरी से एक तलवार निकालता है। इसके बाद मॉन्स्टर जैसे जेनवू के ऊपर हमला करने आता है, वैसे ही जेनवू अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। भेड़िया को मारते ही जेनवू का लेवल बढ़ जाता है और लेवल 2 होते ही जेनवू के चेहरे में लगी जख्म अपने आप हील हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही और 2 भेड़िया उस जगह जेनवू को मारने आते हैं, लेकिन जेनवू जैसे ही उनमें से एक भेड़िया को मार डालता है, वैसे ही दूसरा भेड़िया डर के उस जगह से भाग जाता है। और 2 भेड़िया मॉन्स्टर्स को मारने से जेनवू को एक स्टोन मिलता है जिसे सेल करके उसे 20 कॉइन मिलता है। तभी जो भेड़िया भाग गया था वो अपने ढेर सारे साथियों को बुला के लाता है, लेकिन इससे जेनवू का ही अच्छा हो जाता है। जेनवू एक एक करके भेड़ियों को मारते जाता है और उसका लेवल अप होता रहता है। 3, 4, 5 लास्ट में जेनवू को उल्फ एसोसिएशन का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में एक डेंजन में हलचल हो रहा था, वही हम जेनवू को देखते हैं जिसने इतने सारे भेड़िया मॉन्स्टर को मारा, जिस वजह से उसका एबिलिटी पॉइंट 40% से बढ़ता है। साथ ही उसे ढेर सारे आइटम भी मिलता है, जिनमें से एक आइटम होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जब जेनवू इस डेंजन के अंदर आया था, तब उसके सामने की स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन भी आया था कि इस डेंजन से निकलने के 2 ही रास्ता है, एक है बॉस को मारो और दूसरा है टेलीपोर्टेशन स्टोन। तब तो जेनवू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं था, इसलिए जेनवू के पास एक ही रास्ता था, बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अभी जेनवू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन आ गया है, फिर भी जेनवू सोचता है कि इस डेंजन के मॉन्स्टर्स को मारने से मेरा लेवल अप हो रहा है, जिससे मैं पावरफुल बन रहा हूँ। तो अभी मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है और ज्यादा लेवल अप करना है, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना है। वहीं असली दुनिया में जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है, जिसमें उसे डेंजन ब्रेक के बारे में पता चलता है। डेंजन ब्रेक मतलब किसी डेंजन से मॉन्स्टर असली दुनिया में आ गए हैं। यहाँ जेनवू डेंजन में गोरिल्ला मॉन्स्टर, पैंथर मॉन्स्टर और भी बहुत तरीके के मॉन्स्टर के साथ लड़ के लेवल अप करते रहता है। इसके बाद जेनवू मेट्रो स्टेशन के नीचे जाने लगता है। नीचे चारों तरफ सन्नाटा और मेट्रो लाइन में पूरा पानी भरा हुआ था। जेनवू सोच ही रहा था कि उसे इस जगह कौन सा और कितने पावरफुल मॉन्स्टर मिलेगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा सा नीला कलर का जायंट स्नेक मॉन्स्टर जेनवू के ऊपर हमला कर देता है। यही इस डेंजन का बॉस मॉन्स्टर है और इस स्नेक के एक ही बार से जेनवू का तलवार टूट जाता है। हालांकि इतने देर से अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ते हुए जेनवू के इस तलवार में बहुत सारे क्रैक आ गए थे, लेकिन जेनवू अभी इस टूटा हुआ तलवार से ही उस स्नेक से लड़ने की कोशिश करता है। तभी जेनवू नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का पूरा शरीर आर्मर से कवर्ड है, इसी वजह से जेनवू के बारों से उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जेनवू लगातार उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है और उस मॉन्स्टर से पीटते रहता है। लेकिन तभी अचानक से जेनवू पुराने बातों को याद करके चिल्ला उठता है कि मैं ताकतवर बनूंगा। तभी जेनवू की आंखें ग्लो करने लगता है और जेनवू मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़ के इतने जोर से दबाता है कि उस मॉन्स्टर की आर्मर टूट के खून निकलने लग जाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर मारा जाता है। स्नेक मॉन्स्टर को मारने के बाद जेनवू सोचता है कि आखिरकार मैं थोड़ा सा पावरफुल बन ही गया। साथ ही मॉन्स्टर को मारने से रिवॉर्ड के तौर पे उसे
मॉन्स्टर के दांतों से बना एक तलवार मिलता है। इसके बाद ही जेनबू के पास एक नोटिफिकेशन आता है और ये मेट्रो स्टेशन भी नॉर्मल हो जाता है। जेनबू मेट्रो स्टेशन से निकल के देखता है कि बाहर कोई भी इंसान नहीं है। तभी एक ऑफिसर जेनबू के पास आता है और पहले सोचता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन बाद में जेनबू के पास तलवार देख के समझ जाता है कि ये एक हंटर है। जिसके बाद ऑफिसर जेनबू को डेंजन ब्रेक के बारे में बताता है। तब जेनबू अपने पावर को जगाता है और देखता है कि मॉन्स्टर किधर है। तब हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे कुछ हंटर्स मिलके भी रोक नहीं पा रहे थे, उसी जगह जूही भी थी, जो उस डेंजन वाला इंसिडेंट को याद करके अपना पावर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तब जेनबू अपना टूटा हुआ तलवार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और जेनबू के एक ही बार से मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनबू का शरीर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। जेनबू का हाथ किसी जिम वाला बंदे के जैसा दिख रहा था। और इसी के साथ ही सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जेनबू भेड़िया मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप कर रहा था। जेनबू ने इतने सारे भेड़िया मॉन्स्टर को मारा था जिससे जेनबू को उल्फ एसोसिएशन का टाइटल भी मिल जाता है। उल्फ के साथ ही जेनबू ने गोरिल्ला मॉन्स्टर पैंथर मॉन्स्टर को भी मारा था और एक बड़ा सा नीला स्नेक मॉन्स्टर जो इस डेंजन का बॉस है उसे भी मार डाला। साथ ही डेंजन से बाहर निकलने के बाद ही एक बड़ा सा रॉक मॉन्स्टर जिसे 4-5 हंटर्स मिलके भी रोक नहीं पा रहे थे, उस मॉन्स्टर को जेनबू ने एक ही बार में ढेर कर दिया। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सारे नर्सेस जेनबू के ऊपर फिदा हो गए हैं। और जिस दिन जेनबू हॉस्पिटल से रिलीज होने वाला था उस समय तो एक नर्स शर्माते हुए जेनबू के पास आके जेनबू का नंबर ही मांग लेती है। इसके बाद ही घर में जिना जेनबू को देखती है और जेनबू से पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे बॉडी इतना ज्यादा अच्छा हो गया है, साथ ही तुम्हारा हाइट भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही था। ये मिशन कंप्लीट करने की वजह से जेनबू का लेवल अप हो रहा था, इसी वजह से जेनबू का शरीर भी चेंज हो रहा था। खैर, रेंट पे करना और बाकी सभी खर्चे चलाने की वजह से जेनबू कोई काम ढूंढने लगता है। देखा जाए तो ये इतना भी आसान काम नहीं है। तभी उसे एक सी रैंक का डेंजन दिखता है जहाँ आदमियों की जरूरत है। तब जेनबू उस जगह जाता है जहाँ जेनबू मिलता है जेनहो नाम के एक डी रैंक के हंटर से। My name's Jinho Yu. I'm a 21-year-old D-rank hunter. उसका फैमिली थोड़ा सा अमीर होने की वजह से उसका आर्मर और उसके हथियार काफी ज्यादा महंगे हैं। इसके बाद जेनबू उस हंटर ग्रुप के साथ पोर्टल के पास जाता है, लेकिन जेनबू देखता है कि पोर्टल काफी ज्यादा लंबा है। इसके गेट को देख के लग रहा था कि ये सी रैंक के डेंजन ना होकर उससे अपर रैंक का डेंजन है। तो उस टीम का लीडर जेनबू को सही से समझाता है कि हंटर रिसर्चर्स ने इस पोर्टल को टेस्ट करके इसे रैंक दिया है, जिसके बाद ये सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। कुछ अंदर जाने के बाद सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर आखिर है कहाँ। तब जेनबू को मॉन्स्टर आने की वनक लगता है और जेनबू सभी हंटर्स को मॉन्स्टर की पोजीशन बता देता है। तब हम कुछ कीड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिन्हें हंटर्स बड़े आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद ही हंटर्स को एक केव मिलता है जो पूरी तरीके से स्टोन से भरा हुआ है। साथ ही इस जगह इस डेंजन के बॉस भी मौजूद होता है जो है एक बड़ा सा स्पाइडर। तभी जेनबू के टीम कैप्टन जेनबू और जेनहो को उस जगह रुकने को बोलता है और बाकी 5 साथियों को लेकर बाहर कुछ चीजें लेने के बहाने से जाता है। और उसके बाद ही अपना एक साथी को बोल के बॉस वाला गेट को बंद करवा देता है। उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया। दरअसल लूट में हिस्सा ना देने के लिए टीम कैप्टन जेनबू और जेनहो को बॉस मॉन्स्टर के द्वारा मरवाना चाहता था, लेकिन जेनबू सब कुछ समझ जाता है और जेनहो को पीछे करके अकेले ही उस बॉस स्पाइडर से लड़ने के लिए आगे जाता है और अपना डैगर को समन करता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
सोलो लेवलिंग एपिसोड 6। दोस्तों सच में सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड 6 मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमें भर भर के खून खराबा देखने को मिलता है। एपिसोड में जिन बू पावरफुल मॉन्स्टर से तो लड़ता है, साथ ही कुछ इंसानों को अपनी यूनिक अंदाज में बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। तो एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एपिसोड 5 में क्या हुआ था ये देख लेते हैं। एपिसोड 5 में हमने देखा कि जेन बू कुछ हंटर्स के साथ एक सी रैंक के डेंजर में जाता है, जहां जेन बू मिलता है एक जेनहॉग नाम के बंदे से। लेकिन जेन बू जब उस डेंजर के बॉस के पास पहुंचता है, तब हंटर टीम का लीडर कुछ बहाना करके अपने 5 साथियों को लेकर बाहर जाता है और बॉस केव का गेट बंद कर देता है। दरअसल ये लोग डेंजर के लूट में से जेन बू और जेनहॉग को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसलिए बॉस मॉन्स्टर के हाथों जेन बू और जेनहॉग को मरवाना ही इन लोगों का प्लान था। अब आगे हंटर ग्रुप का लीडर अपने साथियों को लेकर बाहर आता है, फिर बोलता है कि ये दोनों जरूर मारे जाएंगे, इसके बाद हम अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर को मार देंगे और पूरा लूट हमारा हो जाएगा। साथ ही जेनहॉग का जो गोल्डन आर्मर है वो भी काफी ज्यादा महंगा है, और मैंने पहले ही अंदर जाने का और एक रास्ता खोज लिया है, इसलिए कुछ देर बाद हम लोग अंदर जाएंगे और पूरा लूट लेके आएंगे। वही डेंजन के अंदर हम जेन बू और जेनहॉग को देखते हैं। जेन बू जेनहॉग को पीछे करके बॉस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने आगे जाता है। जेन बू मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेन बू देखता है कि स्पाइडर का स्किन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, साथ ही स्पाइडर का हर एक बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जेन बू मन में सोचता है कि एक भी गलती मेरा जान ले सकता है। तब जेनहॉग जेन बू के मूवमेंट और फाइटिंग स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और जेन बू को ऐसा देखकर थोड़ा सा डर भी जाता है। जेन बू स्पाइडर का वीक पॉइंट एनालाइज करके उसके ऊपर हमला करने जा रहा था, तभी स्पाइडर जेन बू के ऊपर एसिड उल्टी कर देता है, लेकिन जेन बू उस एसिड उल्टी से किसी तरीके से बच जाता है। तब जेन बू अपना नया एबिलिटी का यूज करता है, जिससे उसका स्पीड कई गुना बढ़ जाता है। जेन बू स्पाइडर की मुंह के बीचों बीच हमला करता है, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं होता है। तब जेन बू फुल पावर से फिर से स्पाइडर के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी जेन बू अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसका पावर खत्म हो जाता है, जिससे स्पाइडर एक ही बार से जेन बू को दूर फेंक देता है। और स्पाइडर फिर से जेन बू के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी जेन बू को फुल रिकवरी मिल जाता है। तब जेन बू पहले तो स्पाइडर की बार से बचता है, फिर स्पाइडर की आंखों में लगातार बार करते रहता है, जिससे स्पाइडर मारा जाता है। खैर इसके बाद जेन बू स्पाइडर के अंदर से स्टोन को निकालता है। तभी 6 हंटर्स केव के अंदर आते हैं और दोनों को जिंदा देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। तभी हंटर लीडर जेनहॉग को बोलता है कि जेन बू को मार डालो, तब तुम्हें डेंजन का लूट में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन जेनहॉग जेन बू को मारने के बदले जेन बू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वही जेन बू के सामने की स्क्रीन में मिशन आता है उन 6 हंटर्स को मारने का। तभी एक हंटर जेन बू के ऊपर अपने मैजिकल पावर से हमला करता है, जिससे जेन बू दूर जाके गिरता है। जेन बू उस जगह पड़े पड़े ही सोचता है कि ये सिस्टम मुझे उन्हें मारने को बोल रहा है, मतलब सिस्टम मुझे किसी तरीके से जिंदा रखना चाहता है। तो ठीक है, मैं उन सभी को मार डालूंगा, ये सोच के जेन बू खड़ा होता है। तब एक हंटर जेन बू के पास आकर जेन बू के मजाक उड़ाते हुए उसके कंधों में हाथ रखता है, लेकिन जेन बू एक ही झटके में अपने खंजर से उस हंटर का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के बाकी सभी हंटर्स जेन बू के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन जेन बू सुपर फास्ट होके अपने खंजर से एक एक करके सबको मार डालता है। जेन बू ने अभी 5 हंटर्स को मार दिया है, अभी उस हंटर्स ग्रुप का बॉस ही बाकी है, जो सीरियस होता है और अपने फुल पावर के साथ जेन बू के ऊपर हमला करने आता है। लेकिन जेन बू उसका सर पकड़ के नीचे पटक देता है, जिसके बाद जेन बू के पावर्स को देखकर हंटर ग्रुप का लीडर जेन बू के पैरों में गिर जाता है,
और अपने जान के भीख मांगने लगता है। लेकिन चेनबू एक ही झटके में उस लीडर का सर धर से अलग कर देता है। इसके साथ ही चेनबू का टास्क कॉम्प्लीट हो जाता है और डेंजन भी टूटने लग जाता है। अगले सीन में हम चेनबू और चेनहो को बाहर देखते हैं, जिनके सामने एक ऑफिसर थी जो सोच रही थी कि सारे हंटर्स डेंजन के अंदर मारे गए होंगे और चेनहो ने ही चेनबू को बचाया है। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चेनबू ने अकेले ही डेंजन के बॉस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार डाला, इसके साथ ही 5 धोखेबाज हंटर्स को। अब आगे हम देखते हैं कि चेनबू घर आता है और अपने साथ फ्राइड चिकन लाता है अपनी बहन जीना के लिए। चेनबू और जीना बात करते हुए खा ही रहे थे। तभी चेनबू जैसे ही बियर पीता है, तब बियर पीने से चेनबू को हेल्थ रिकवरी मिलता है। तब चेनबू पूरा बियर सेट को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समा। वही हम एस रैंक हंटर को देखते हैं, जिसके भाई को चेनबू ने पिछले एपिसोड में मार डाला था। इसके बाद चेनबू चेनहो से मिलता है, जहां चेनहो चेनबू को उसके साथ रेड में जाने को बोलता है। पहले तो चेनबू मना कर देता है, लेकिन इसके बाद ही चेनहो के रिक्वेस्ट और चेनहो के समझाने के बाद चेनबू मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेनबू और जीना एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन चेनबू जीना को पीछे छोड़ के तेजी से आगे चला जाता है। इसके बाद ही डेली टास्क कंप्लीट करने से चेनबू को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसमें से निकलता है स्पेशल डेंजन की चाबी। तो इसके बाद ही चेनबू डेंजन खोल के जिया से अंदर जाता है। तभी एक बड़ा सा 3-हेड डॉग चेनबू के ऊपर हमला कर देता है। चेनबू किसी तरीके से बच के एक डॉग हेड पे खंजर से वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि डॉग ही चेनबू को चबा देता है, जिससे चेनबू का हेल्थ बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। चेनबू बार बार उठ के मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से चेनबू के ऊपर हमला करके चेनबू को दूर फेंक देता है। इसके बाद ही चेनबू फुल रिकवरी यूज करके फिर से मॉन्स्टर के सर में वार करता है। लेकिन इस बार भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि मॉन्स्टर लगातार एक के बाद एक हमला करके चेनबू को बहुत ही बुरी तरीके से घायल करने लगता है। लेकिन इसके बाद ही चेनबू एक पॉइजन पीता है। इस पॉइजन से चेनबू को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मॉन्स्टर जैसे ही चेनबू को काटता है और चेनबू का खून उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ता है, तभी मॉन्स्टर का पूरा शरीर जलने लगता है। इसी के साथ ही मॉन्स्टर की स्किन भी थोड़ा सा नरम हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए चेनबू लगातार मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे लास्ट में मॉन्स्टर मारा जाता है। तो मॉन्स्टर को मारने से चेनबू का लेवल अप होता है, साथ ही चेनबू पूरी तरीके से हील भी हो जाता है। साथ ही चेनबू को बहुत सारी चीजें भी मिलता है, जिनमें से एक था इलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला। इलेक्सर ऑफ लाइफ से ही चेनबू की माँ की तबीयत ठीक हो सकता था। तो इसी के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा है कि चेनबू और एक स्पेशल डेंजन में जाता है, जहां चेनबू का सामना होता है एक खतरनाक सा 3-8 डॉग मॉन्स्टर से। पहले तो चेनबू कुत्ते से कुत्ते की तरह मार खा रहा था, लेकिन लास्ट में जैसे तैसे करके चेनबू ने उस डॉग मॉन्स्टर को मार ही डाला। अब आगे हम देखते हैं कि इस बार सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं कर रहा है। तब चेनबू फिर से किसी स्पेशल डेंजन में जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि स्पेशल डेंजन के खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार के चेनबू का लेवल अप ज्यादा जल्दी हो रहा था। खैर, इसके बाद ही चेनबू के पास एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन के तरफ से एक डी रैंक के डेंजन को क्लियर करने के लिए।
डीक्यू के तो इंसोशियल। इसके बाद ही हम एक एक करके डबल डेंजन में बचे हुए हंटर्स को देखते हैं। पहले सॉन्ग, इसके बाद किम और जुई को। तो जेनबू उस डेंजन में जाने के लिए तैयार होने लगता है। तब जेनबू को जिना बोलती है कि तुम फिर से रेड में जा रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वही जेनबू हो जो हर एक रेड में पूरी तरीके से घायल होके वापस आता था। लगता है तुम्हारा वर्कआउट कुछ ज्यादा ही काम आ रहा है। तो इसके बाद ही जेनबू घर से निकल जाता है और घर से निकलते ही रास्ते में जेनबू मिलता है संग से। तो इनके बीच कुछ देर तक बातें चलती रहती है। इसके बाद ही जेनबू और सॉन्ग एक डेंजन के पास पहुंचता है जहां जूही और कार्टनन टेंपल में सरवाइव करने वाले दो हंटर्स उस जगह पहले ही मौजूद थे। ये सभी एक दूसरे से मिलके बात कर रहे थे, तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकता है जिससे निकलता है तीन क्रिमिनल। दरअसल हंटर्स के कमी होने पे क्रिमिनल्स अगर रेड में हंटर्स की मदद करने आते हैं तो उनके सजा थोड़ा सा कम हो जाता है। ये तीनों क्रिमिनल सी रैंक के थे, लेकिन इन तीनों क्रिमिनल को संभालने के लिए एक बी रैंक का हंटर गैंग भी उनके साथ डेंजन में जाने वाला था। इसके बाद ही गैंग जेनबू और सॉन्ग के पास आके पूछता है कि इस रेड का लीडर कौन होने वाला है। सॉन्ग जेनबू से परमिशन लेकर इस रेड का लीडर बन जाता है। इसके बाद ही सभी डेंजन के अंदर चले जाने के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 9। तो डेंजन के अंदर क्रिमिनल्स गोब्लिन मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार रहे थे, तो ही कैप्टन और जेनबू भी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। तब कैप्टन और जूही मिलके जेनबू की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। It's impressive how much stronger you've gotten, Gino. Gotta say, I'm really impressed with you too. इसके बाद सभी जैसे आगे बढ़ते हैं तभी आगे इन्हें तीन केव मिलता है। जेनबू को पहले से ही पता चल चुका था कि कौन से केव के अंदर बॉस है, इसलिए जेनबू जूही और कैप्टन के साथ उसी केव के अंदर चला जाता है और बाकी सभी दो ग्रुप्स में बट के दो केव के अंदर चले जाते हैं। तो इसके बाद ही हमें मिस्टर कैंग की असली मकसद पता चलता है कि मिस्टर कैंग उन तीनों क्रिमिनल्स को मारना चाहते थे। लेकिन जिस समय कैंग उन तीनों क्रिमिनल्स को मार रहा था ठीक उसी समय जैंग हो और सिंकिम कैंग को ये करते हुए देख लेते हैं। तब कैंग उनके ऊपर भी हमला कर देता है। दूसरी तरफ जेनबू कैप्टन और जूही को जैंग हो और सिंकिम के चिल्लाने की आवाज सुनने को मिलता है। तब ये दौड़ के आके देखते हैं कि जैंग हो मर चुका है और सिंकिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब जेनबू जूही को बोलता है सिंकिम को हील करने को, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी उस जगह आ जाता है मिस्टर कैंग और आते ही जूही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेनबू मिस्टर कैंग के हमले को रोक देता है। तब कैप्टन जूही की हीलिंग के मदद से कैंग से लड़ने जाता है। Yes! लेकिन सॉन्ग का पावर है मैजिक, इसलिए सॉन्ग कैंग को कई टक्कर तो दे रहा था लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद ही कैंग सॉन्ग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिस वजह से जूही भी सॉन्ग को हिल नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके बाद ही कैंग जब सॉन्ग को मारने जा रहा था तभी बीच में आ जाता है संग जेनबू ई रैंक हंटर। जेनबू का ऐसा मूवमेंट देख के उस जगह सभी लोग समझ जाते हैं कि जेनबू का सेकंड अवेकनिंग हुआ है। तो इसके बाद ही कैंग जेनबू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेनबू भी बहुत ही तेजी से कैंग का सामना करने लगता है। लेकिन इसके बाद ही जब कैंग अपने चालाकी से जेनबू को कुछ खरोच दे देता है तब जेनबू का सिस्टम सामने आता है जिसमें जेनबू को कैंग को मारने का मिशन मिलता है। इसके बाद ही जेनबू और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और अपना डैगर से कैंग के चेहरे में एक कट मार देता है जिससे डैगर का पॉइजन कैंग के चेहरे में फैलने लगता है। तब कैंग अपना वैनिशिंग पावर दिखाता है। Real special. He vanished. That's
और गायब होकर जेनबू को मारने लगता है। लेकिन इसके बाद ही जेनबू यूज करता है फुल रिकवरी। फिर कैंग के गायब होने के बावजूद जेनबू कैंग के हर एक हमले को काउंटर कर रहा था। फिर जेनबू अपना डोमेन जैसे शैडो पावर की यूज करके कैंग के सीने में अपना डैगर घुसा देता है। जिससे कैंग मारा जाता है। साथ ही जेनबू का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ही जेनबू अकेले ही डेंजन की बॉस को भी मारने जाता है। डेंजन से निकलने के बाद इंस्पेक्टर के सामने जेनबू को बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि उसने ही जूही के मदद से कैंग को मारा है। और ये एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है। तो इसके बाद है सोलो लेवलिंग एपिसोड 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेनबू और जूही को कुछ पुराने बातों को याद करते हुए देखते हैं। जूही जेनबू को एक स्टोन देती है क्योंकि जूही हंटर वाला काम को छोड़ के दूसरे शहर जा रही है। इसके बाद ही हम जेनबू और जेनहो को देखते हैं। जेनहो ने कुछ कमजोर लोगों को हायर किया था क्योंकि किसी रेड में 8 हंटर्स का होना कंपलसरी है। इसीलिए पेपर में तो ये दिखाएंगे कि 8 लोग रेड में गए थे, लेकिन असलियत में 6 लोग बाहर ही आराम करेंगे, तो ही अंदर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जेनबू और जेनहो। बाहर बैठे लोगों को बाहर बैठे बैठे ही एक रेड का 30 लाख मिलेगा, तो वहीं अंदर जेनबू मॉन्स्टर को अकेले ही मारेगा, जिससे जेनबू का लेवल अप बहुत ही तेजी से होने वाला है। तो इसके बाद हर दिन ये टीम नॉनस्टॉप ऐसे ही करते रहते हैं। और जेनबू का लेवल अप होते रहता है। असल में जेनहो ने मार्केट से दुगना प्राइस देकर सी रैंक गेट्स के राइट्स को खरीदा था। इसी वजह से मैनेजर जब ये सब देख रहा था तभी उसे दिखता है जेनबू का नाम। इसलिए मैनेजर और उसका असिस्टेंट जेनबू के टीम को देखने जाते हैं डेंजन क्लियर करते हुए, जहाँ बाहरी 6 हंटर्स को बैठा हुआ देख कर और सिर्फ जेनबू जेनहो को पोर्टल को बंद करते हुए देखकर मैनेजर समझ जाता है कि कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी है। जिसके बाद ही मैनेजर जेनबू से बात करता है। If you have just a moment to spare, I'd love to have a word with you. तब जेनबू मैनेजर को बातों बातों में ही इतना ज्यादा डरा देता है कि मैनेजर गलती से सी रैंक के गेट्स को बहुत ही महंगे दामों से खरीद लेता है। इसके बाद ही नेक्स्ट मॉर्निंग जेनबू कहीं जाने लगता है। So job change quest. Well, should be interesting. और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 11। तो अभी सिस्टम ने जेनबू को दिया है एक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट, जिसे जैसे ही जेनबू एक्सेप्ट करता है तभी उसके सामने एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल ओपन होता है। और जेनबू उसके अंदर घुस जाता है। तब जेनबू एक महल के बड़े से गलियारा जैसे जगह में पहुंच जाता है, जहां जेनबू का सामना होता है आर्मर पहने नाइट से, जिसके ऊपर डैगर का हमला भी असर नहीं कर रहा था। पहले तो नाइट से लड़ने में जेनबू को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन इसके बाद ही जेनबू ने जैसे अपने ताकत से उस नाइट को बीच से फाड़ दिया, तभी उस जगह और भी ढेर सारे नाइट आ जाते हैं। इसके बाद ही जेनबू नॉनस्टॉप फाइट करते रहता है। इसी बीच नाइट के साथ ही मैजिशियन मॉन्स्टर्स और तीर वाले मॉन्स्टर भी जेनबू के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन जेनबू इन सभी को हरा देता है, जिससे जेनबू को मिलता है एक इनविजिबल आर्मर।
इसके बाद जेनबू पहुंचता है एक बड़ा सा दरवाजे के पास, जिसके अंदर घुसते ही जेनबू देखता है एक खाली सिंहासन को, जिसका रक्षा कर रहा था एक रेड नाइट, नाइट कमांडर इग्रिस। इग्रिस अपने तलवार को सामने करके जेनबू को चैलेंज करता है। फिर बहुत ही तेजी से जेनबू के पास आके जेनबू के ऊपर सुपर पावर से अटैक करता है। जेनबू इग्रिस के सामने कुछ भी कर नहीं पा रहा था, और सच में इग्रिस का हर एक बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जेनबू डैगर फेंक के हाथ से लड़ने की कोशिश करता है, तब इग्रिस भी अपने हथियारों को छोड़ देता है। फिर भी इग्रिस जेनबू के ऊपर हावी हो रहा था, तब जेनबू अपना स्प्रिट बढ़ाता है, लेकिन फिर भी जेनबू इग्रिस के स्प्रिट की मैच नहीं कर पा रहा था। जेनबू का कोई भी बात इग्रिस के ऊपर असर ही नहीं कर रहा था। वही इग्रिस बहुत ही बुरी तरीके से जेनबू का पिटाई कर रहा था। इसके बाद इग्रिस अपने बड़े से तलवार से जेनबू को मारने वाला था, तभी जेनबू अपना आर्मर वाला पावर यूज करके इग्रिस के हमले को रोक देता है, फिर अपने डैगर को इग्रिस के आंखों में घुसेड़ देता है। इसके बाद तेजी से इग्रिस को एक दवाल में पटक देता है, फिर अपने फुल पावर से डैगर को इग्रिस के गर्दन में घुसेड़ देता है, जिससे लास्ट में इग्रिस मारा जाता है। इग्रिस को मारने से जेनबू को एक एस रैंक का हेलमेट मिलता है, साथ ही कुछ और भी चीजें मिलता है। लेकिन इग्रिस को मारने से भी इस डेंजन का मिशन कॉम्प्लीट नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे और भी पोर्टल्स ओपन होता है, जिनसे निकलता है नाइट्स। लेकिन जेनबू सभी नाइट्स को मार तो रहा था, लेकिन नाइट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, और नाइट्स से लड़ते हुए ही जेनबू के हाथों से टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 12, ये सोलो लेवलिंग सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। तो अभी जेनबू पूरी तरीके से नाइट्स से घिरा हुआ है। नाइट्स की तादाद इतना ज्यादा है कि जेनबू लगातार नाइट्स को मार के भी उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा था। तभी जेनबू को उसका ही एक रूप दिखने लगता है, जो जेनबू को इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर बोल के नीचा दिखाने लगता है। लेकिन जब जेनबू लगभग नाइट के हाथों मरने वाला था, तभी डेली मिशन पूरा ना करने से जेनबू पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है। मतलब पेनल्टी ने जेनबू का जान बचा लिया। इस जोन में आके जेनबू लगातार बहुत सारे पोषण पीता है, जिससे जेनबू का पावर थोड़ा सा रिस्टोर होता है। तभी ढेर सारे रेगिस्तानी सेंटीपीड मॉन्स्टर जेनबू के सामने आते हैं, जिन्हें देख के जेनबू डरने की जगह खुश हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार की जेनबू अपना लेवल अप करता है, जिससे जेनबू को मिलता है फुल रिकवरी। साथ ही जेनबू एक खंजर भी बाय करता है नाइट से लड़ने के लिए। इसके साथ ही जेनबू यूज करता है रियूनी स्टोन, जो इग्रिस को मारने से जेनबू को मिला था। रियूनी स्टोन को तोड़ते ही जेनबू को मिलता है रूलर हैंड नाम का एक एबिलिटी, जिसकी मदद से जेनबू दूर से ही किसी नाइट को मार सकता था। फिलहाल ये सब तैयारी करने के बाद पेनल्टी टाइम खत्म हो जाता है, और जेनबू फिर से उसी कैसल में पहुंच जाता है। तब नाइट से लड़ते हुए जेनबू कुछ जादूगर को नोटिस करता है, और जेनबू समझ जाता है कि जादूगरों को मारने से ही नाइट भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद ही जेनबू एक के बाद एक जादूगरों को मारती जा रहा था। तभी तीन जादूगर मिलके सभी नाइट के मरे हुए आर्मर से एक बड़ा सा नाइट बना देते हैं, लेकिन जेनबू उस बड़ा सा नाइट को भी मार देता है, साथ ही तीन जादूगरों को भी।
तो फाइनली लड़ाई खत्म हो जाता है, मतलब जॉब चेंजिंग क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने से जेनबू को एक नया क्लास मिलता है। पहले तो जेनबू इस क्लास में जाने से मना कर देता है, लेकिन इसके बाद ही जैसे जेनबू उस जॉब क्लास को एक्सेप्ट करता है, तभी जेनबू को बहुत ज्यादा पावर मिलता है और जेनबू बन जाता है सैडोमोनाक। इसके बाद ही जेनबू को सारी नाइट के चिल्लाने के साउंड सुनाई देता है और जेनबू एरिस बोल के उन सभी नाइट के सैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये सभी सैडो जेनबू के सैडो आर्मी बन जाते हैं। इसके बाद ही जेनबू 11 सैडोस को रिलीज करके नाइट कमांडर एग्रिस के सैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनबू लगातार 2 बार सैडो एक्सट्रैक्ट में फेल हो जाता है। अभी जेनबू के पास आखिरी मौका बचा हुआ है इग्रिस के सैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तब जेनबू इग्रिस से कहता है कि तुम शाही सिपाही इग्रिस, तुम अपने राजा की इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा राजा कब आएगा। तुम अपने शक्तियों को क्या ऐसे ही जाया होने देना चाहते हो? अगर तुम किसी के प्रति वफादार रहना चाहते हो तो मेरे पास आओ। इग्रिस जागो। ये बोलते ही इग्रिस का सैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद ही इग्रिस और सारे नाइट आर्मी जेनबू के सामने घुटने टेक देते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड और ये सीजन भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोग को दिल से शुक्रिया और बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।